हेलो एंड नमस्ते यूरान। तो कैसे हो गाइस आप सब? तो आप सबको फिर से स्वागत है हमारे अपने फ्रेश वीडियो में। गाइस मैं हूं सुनील, आप देख रहे हैं सुनील गेमिंग चैनल। तो भाई आज का ना गाइस हम टाइटल एंड थंबनेल देखिए आप सबको मालूम होगा किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई अभी का टाइम है गाइस फ्री फायर में जितने भी प्लेयर है गाइस उन सभी लोग भाई यूट्यूबर बनना चाहते हैं। मतलब भाई अभी का टाइम भाई यूट्यूबर देखो भाई इतना ज़्यादा यूट्यूबर है, ठीक है। पर भी भाई हर कोई बंदा यूट्यूबर बनना चाहता है बिना मेहनत करके। हर कोई बंदा भाई शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं भाई अपने चैनल ग्रो करने के लिए, थोड़ा सा भाई व्यूज़ पाने के लिए, सब्सक्राइब पाने के लिए। एंड मैं बड़ा बड़े यूट्यूबर लोग का नेम यूज़ करके यहाँ पे भाई पूरा पूरा इसमें मेरा इसने स्कैम किया एंड भाई बड़ा बड़े यूट्यूबर लोग का नेम लिया, कंट्रोवर्सी किया, ऐसा करके भाई चुटियापंथी करके भाई अपना चैनल ग्रो करें। और भाई यहाँ पे जो मेहनत कर रहे गाइस उन सभी लोग को भाई कोई भी नहीं पहचानता, ठीक है। मतलब अभी गाइस हमारा फ्री फायर में जितना भी लेजेंड है गाइस, ठीक है, पहले भाई हेडशॉट किंग बोलता था, आप शॉटगन किंग बोलता था भाई, आप सब लोग MP40 किंग बोलता था भाई, हमारा इतना लेजेंड है ना गाइस फ्री फायर गेमिंग कम्युनिटी में। पर गाइस उन सभी लोग का अभी कोई नहीं पहचानता है, ठीक है। एंड अभी का टाइम में जितने भी भाई न्यू यूट्यूबर आए गाइस अपने चैनल ग्रो करने के लिए, मतलब भाई बिना मेहनत करके ग्रो करना चाहता है, तो उन लोग क्या करते हैं बड़ा बड़े यूट्यूबर का नेम लेके इसने मेरे इतना स्कैम किया, वो किया, लौड़ा किया, लहसुन किया भाई बोल के ना गाइस इन लोगों ने भाई थोड़ा सा भाई अपने चैनल ग्रो कर लिया, ठीक है। जो मेहनत कर रहे गाइस उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो चुटियापंथी करते हैं गाइस फ्री फायर गेमिंग कम्युनिटी में इन लोग का वैल्यू है। चलो गाइस कोई परवाह नहीं पड़ता गाइस, ठीक है। पर भाई मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ भाई, मेहनत कर साला भूसी वाले ये कंट्रोवर्सी करके एंड भाई बड़े बड़े यूट्यूबर लोग का नेम लेके इसने मेरे वो किया ऐसा बोल के भाई तुम लोग का भाई चैनल ग्रो तो हो जाएगा, पर भाई मेहनत करके जाना चुटिया वाले, ठीक है। तू यूट्यूबर बनना चाहता है तो भाई मेहनत कर। सक्सेस भाई सबको एक साथ नहीं मिलता है, किसी को सक्सेस भाई एक साल का अंदर मिलता है, किसी को भाई 5 साल लगता है, किसी को भाई 10 साल लगता है। यदि भाई लकी हो तो भाई उसको भाई 1 मंथ का अंदर भी सक्सेस मिल जाएगा। पर भाई मेहनत कर भुसीड़ी वाले, सबको भाई एक साथ सक्सेस नहीं मिलता है। चुटियापंथी करके भाई व्यूज ने मत कमा। अरे भाई उस सब्सक्राइब का भाई दाग मत लगा कि भाई चुटियापंथी करके सब्सक्राइब इंक्रीज किया है। तो भाई अभी के टाइम ऐसे भाई हमारे फ्री फायर गेमिंग कम्युनिटी मतलब बैस 99 के ऊपर भी इतना ज़्यादा इल्जाम होएगा, ठीक है। ये सारी सारी भाई बकवास न्यूज़ है भाई अपने चैनल में थोड़े से भाई व्यूज पाने के लिए, लाइक कमाने के लिए, सब्सक्राइब कमाने के लिए। तो भाई ऐसे वीडियो को भाई इग्नोर करो, ठीक है। एंड भाई ऐसा भाई न्यूज़ भाई क्या बताओ भाई, पूरा पूरा भाई सिर्फ भाई यहाँ पे भाई व्यूज एंड भाई सब्सक्राइब करवाने के लिए ऐसा चुटियापंती कर रहे। तो भाई ये हो गया भाई बैस 99 के ऊपर। एंड अब हम यहाँ पे बात करेंगे 2B गेमर के ऊपर, जो कि अभी आप सबको मालूम है 2B गेमर के चैनल में भाई 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइब है, ठीक है। एंड बहुत कंट्रोवर्सी में पड़ रहे गए आप सभी लोगों को मालूम होगा, जो कि भाई नेपाल गेमिंग कम्युनिटी में। एंड भाई हमारे भाई नेपाल गेमिंग कम्युनिटी में भाई एक बंदा है जो कि भाई वो बोलते हैं कि भाई जितने भी भाई नेपाल में गए प्लेयर, ठीक है, जितने भी भाई नेपाल का यूट्यूबर है उन सभी लोग भाई एक साथ होके भाई नेपाल गेमिंग कम्युनिटी आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये बोल के भाई वो वीडियो बना के सबको भाई मतलब भाई एक साथ रखना चाहता है। एंड भाई दूसरा साइड होकर भाई हमारे भाई नेपाली यूट्यूबर लोग भाई एक साथ बैठ के यहाँ पे भाई पूरा पूरा पे भाई लड़ाई कर रहा है भाई, कंट्रोवर्सी कर रहा है, वो भी भाई व्यूज एंड सब्सक्राइब पाने के लिए। जो कि अभी गाइस आप सभी को मालूम है 2B गेमर वर्सेस RG कार्की के ऊपर यहाँ पे भाई बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा है। एंड RG कार्की बहुत ओल्ड प्लेयर है गाइस, मैं भी मानता हूँ, मतलब भाई क्या बताऊँ, ठीक है, मैं भी मानता हूँ बहुत ओल्ड प्लेयर है। एक टाइम ऐसा था गाइस RG कार्की को सब बंदा पहचानता था, सब बंदा नहीं जितने भी पहले फ्री फायर खेलता था उन सभी लोग पहचानता था, ठीक है। एंड क्योंकि भाई 2017 में भाई फ्री फायर लॉन्च हुआ था एंड भाई उस टाइम में भाई बहुत बंदा लोग भाई फ्री फायर नहीं खेलता था, उस टाइम में भाई उन लोग भाई फ्री फायर खेलता था एंड भाई टूर्नामेंट खेलता था। एंड इसी के कारण से वो उसको भाई पहले बहुत नेम था, मतलब भाई, ठीक है। एंड नेम भी कैसे हुआ गाइस, जो कि भाई हमारे भाई एशियन गेमिंग का टूर्नामेंट खेलता था वो, ठीक है। एंड इसी के कारण से उसका नेम भाई पहले बहुत हाई में था, ठीक है। एंड अभी का टाइम में उसका नेम नहीं था, बीच में जाके भाई पूरा पूरा वो डाउन हो गया था एंड भाई उसका चैनल में भाई व्यूज भी नहीं आता था, ठीक है, डाउन हो गया था। जितना पहले उसका नेम था भाई अभी वो पूरा पूरा बीच में जाके पूरा पूरा यहाँ पे भाई डाउन हो गया था। एंड भाई अभी का टाइम में उसने क्या क्या गाइस पूरा पूरा यहाँ पे भाई 2B भाई का गिल ज्वाइन किया। एंड भाई 2B भाई का गिल ज्वाइन करने के बाद भाई उसने 2B गेमर भाई का गिल से ईस्पोर्ट गेम प्ले करके अभी भाई पूरा पूरा यहाँ पे भाई 2B भाई का नेम से उसने अपना चैनल ग्रो किया, ठीक है। मतलब ये नहीं बोलते कि भाई 2B भाई का नेम से ग्रो किया है, ठीक है, मतलब उसने मेहनत किया है इसलिए तो उसका चैनल ग्रो हो गया, ठीक है। मेहनत करो, ठीक है, पर यहाँ पे कंट्रोवर्सी मत करो। एंड भाई जिस थाल में खाए भाई उसी थाल में मत थूको, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ RG कार्की को। चलो हाँ भाई 2B गेमर भाई मतलब भाई 2B गेमर का कारण से भाई उसका चैनल थोड़ा ग्रो हुआ है, क्योंकि भाई उसने तो थोड़ा भाई प्लेटफॉर्म तो दे दिया ना उसको, तो इसी कारण से भी भाई 2B भाई का हाथ है भाई उसका चैनल ग्रो होने में भी। पर भाई सिर्फ 2B भाई का नहीं, उसने भी मेहनत किया, मैं बोलता हूँ मेहनत भी किया है, ठीक है। पर भी इतना ही बोलना चाहते भाई जिस थाल में खाया उसी थाल में मत थूक RG कार्की होगा भाई। जब पहले भाई
टू बी गेमर को भाई आप सब लाइव स्ट्रीम देखा होगा जो भाई फन यूट्यूब पे बोलते हैं आप सभी लोग भी, ठीक है। एंड भाई टू बी गेमर भाई हर स्ट्रीमिंग का भाई खाते के बाद खाते के, ये तो भाई कॉमन डायलॉग भाई वो बोलता है, ठीक है, मतलब इंटरटेनमेंट के लिए। भाई पहले जब भाई उन लोग भाई साथ में खेलता था भाई टू बी भाई बोलता था भाई खाते के बाद खाते के, ये बोलने का टाइम में भाई उन लोग भी हंसता था भाई। एंड भाई मेरा भाई टू बी गेमर रिएक्शन किया भाई, ये वो किया, लौड़ा किया बोल के भाई वीडियो डालता था, ठीक है, मतलब टू बी भाई का नेम से नेम यूज करके भाई वीडियो डालता था। एंड अभी का टाइम में गाइस टू बी भाई ने पूरा का पूरा भाई क्या किया, थोड़ा सा भाई गलती किया, कॉस्ट्यूम खेल दिया, कॉस्ट्यूम शिप भाई हेडशॉट मारते खाते के बाद ऐसे क्या क्या बोल दिया था। एंड उसी इतना छोटा बात को भाई इतना बड़ा इश्यू करके, मतलब भाई थोड़ा सा भाई कॉन्ट्रोवर्सी करके चैनल में भाई व्यूज कमाने लिए ऐसा करें, मतलब भाई तुझे भी लाख में जाने भाई। चलो कोई बात नहीं भाई, मेहनत करो भाई, मेहनत किया तो हो जाएगा, ठीक है। एंड पर भी भाई मैं इतने बोलना चाहता हूँ भाई, जिस थाल में खाया है भाई उसी थाल में मत थूको, क्योंकि भाई थोड़ा रिस्पेक्ट करो, तेरा चैनल में भाई व्यूज कैसे है भाई टू बी भाई का कारण से। यदि भाई टू बी भाई ने प्लेटफॉर्म नहीं देता ना भाई, तेरा चैनल भाई ग्रो भी नहीं होता था। एंड भाई तूने भाई वीडियो अपलोड करने के लिए छोड़ दिया था, नहीं तो भाई है ना सच्चे की बात है ना आरजी करके भाई। यदि भाई सुन रहे तो भाई सुनो फुल वीडियो देखो। एंड भाई नहीं देख रहे हो भाई प्लीज ये वीडियो जरूर इन तक भाई देखना। एंड भाई वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि भाई सब प्लेयर के साथ पहुंचना चाहिए, ठीक है, कि भाई एक टाइम ऐसा था कि भाई आरजी करके भाई वीडियो अपलोड करने के लिए छोड़ दिया था, मालूम है ना गाइस आप सभी लोगों को। टू बी भाई ने प्लेटफॉर्म दे दिया भाई, इसी के कारण से उसका चैनल में अभी हाईलाइट आ गया। पर गाइस उसने अभी क्या किया, टू बी भाई को भाई पूरा का पूरा एक छोटा सा बात के लिए भाई पूरा पूरा वीडियो बना के कंट्रोवर्सी करके अभी भाई तवाही मचा रहे, वो भी भाई एक लाख एक व्यूज के लिए। ऐसा मत करो भाई, क्यों भाई जिस थाल में खाए भाई उसी थाल में थूकते हो। पहले भाई टू बी भाई के साथ खेलने का टाइम में टू बी भाई उन लोग का भाई खाते के बाद बोलने का टाइम में भाई उन लोग भाई पूरा पूरा कुछ भी नहीं करता था, ठीक है। पर अभी का टाइम में ये भाई क्या बताओ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं गाइस, ठीक है। पर भी मैं इतने बोलना चाहता हूँ भाई, जिस थाल में खाई भाई उसी थाल में मत थूको, क्योंकि भाई टू बी भाई का कारण से तेरा थोड़ा सा भाई चैनल ऊपर आया है, ठीक है। मतलब भाई ऐसी भाई क्या भाई लड़ाई कर रहे हो, इतना सा छोटा बात के लिए तुम लोग भाई इतना बड़ा इशू कर रहे हो। एंड भाई जितने भी भाई ये दोनों का कंट्रोवर्सी में जितने भी भाई साइड का यूट्यूबर लोग आ गए ना भाई, उन सभी लोग भी भाई क्या बताओ पाखंडी लोग फुसीडी वाले लोग भाई एक बीच के लिए आ गए। तुम लोग भी भाई इन लोग का कुछ मालूम नहीं, पर भी भाई आ गए भाई बीच में आके भाई पूरा का पूरा भाई, ठीक है, बीच में घुस गए कंट्रोवर्सी में। बोलते हैं भाई दोनों का लड़ाई हो रहा है भाई, बीच में भाई दूसरे बंदे लोग फायदे ले, ठीक है, ऐसे हो रहे हैं भाई। बहुत बंदे लोग भाई वीडियो बनाए, बहुत बंदे लोग ने भाई क्या क्या बोल दिया भाई, ठीक है, मतलब भाई उन लोग का भी थोड़ा व्यूज चाहिए। हाँ करो कोई बात नहीं भाई, व्यूज तो सबको चाहिए भाई, ठीक है, हर कोई यूट्यूबर लोग का व्यूज चाहिए। पर भी भाई क्यों भाई दोनों का लड़ाई में तुम लोग क्यों बीच में आ रहे हो। एंड भाई एक बंदा है जो भाई न्यूज़ कवर करता है नेपाल गेमिंग कम्युनिटी से, ठीक है, उसका नेम तो नहीं लूंगा मैं, नेम लेके भी क्या करेंगे, उसका खाते बाते लोग का नेम हम नहीं लेंगे। पर भी उसने क्या बोला, टू बी भाई को न्यूज कवर करके भाई तूने, मैं उसको एक छोटा सी रुपया, ठीक है, टू बी भाई का न्यूज कवर करके भाई तूने ना अपने वीडियो में व्यूज कमाया, सब्सक्राइब किया, चैनल ग्रो किया, ठीक है। एंड अभी टू बी भाई को पूरा पूरा भाई गाल दे रहे तू, भाई तेरा इतना औकात भाई, पहले भाई टू बी भाई को भाई तू पूरा पूरा न्यूज़ कवर करके व्यूज कमाया एंड भाई पैसा कमाया, अभी भाई उसी भाई को तू गाली दे रहा है, शर्म करो भुसीड़ी वाले, शर्म करो थोड़ा सा। मतलब भाई पहले भाई टू बी भाई भाई टूलेट में गया भाई, टूलेट में जाके हक गया भाई, ये किया वो किया, ऐसा भी न्यूज़ कवर किया। एंड भाई अभी आके जिस भाई का कारण से भाई तेरा चैनल ग्रो हुआ है, जिस भाई का न्यूज़ कवर करके तूने भाई अपना चैनल ग्रो किया, अभी भाई उस भाई को भाई तू गाली दे रहा है। हुआ भाई दो तीन यूट्यूबर भाई सपोर्ट में आ गए, तू भाई गाली देगा भाई, मत भूल भाई तेरा औकात क्या है, ठीक है। यदि भाई टू बी भाई नहीं होता ना, तेरा चैनल ग्रो भी नहीं होता था। मतलब भाई टू बी भाई ने भी बहुत अच्छा काम किया है भाई, उस काम को साइड में रख के एक छोटा सा भाई गलती के लिए। अब भाई तुम लोग भाई टू बी भाई को गाली दे रहे हो भाई, ऐसे मत करो भाई, ठीक है, ऐसे मत करो भाई, नहीं चलेगा। जिस थाल में खाया उसी थाल में थूकने के लिए बोलते भाई इन लोग का, ठीक है। पहले भाई टू बी भाई का न्यूज़ कवर किया एंड चैनल ग्रो किया, एंड भाई अभी भाई टू बी भाई का भाई टू बी भाई के सामने भाई बहुत बड़ा बात कर रहे हैं भाई। मैं ये वीडियो गाइस बहुत पहले अपलोड करना चाहता था, पर भाई यहाँ पे भाई थोड़ा सा भाई होता नहीं गाइस, हमारा यहाँ पे इंद्र यात्रा, मतलब भाई मेला का कारण से मैं भाई दो तीन तक वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाया। जो भाई दो तीन तक मेरा खुद का गेम प्ले था उन लोग भाई मैं पहले एडिट किया वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। एंड अभी का टाइम में भाई मैं मेला के बाद आ गए तो भाई ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी हो रहा है तो इसलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। पर भी भाई ऐसा मत करो भाई, जिस थाल में खाए उसी थाल में मत हुआ। हाँ भाई आरजी कार की भाई स्पोर्ट प्लेयर ही मैं मानता हूँ, ठीक है, पर भी भाई जिस थाल में खाए भाई उसी थाल में मत थूको भाई, ठीक है। पहले तो भाई चलता था भाई खाते के बाद क्या क्या बोलने का टाइम है तो भाई तुम लोग तो हंसता था भाई, चलता था। पर अभी भाई कंट्रोवर्सी करके आ रहे, एंड भाई कंट्रोवर्सी करने का टाइम है, यहाँ पे भाई बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूबर लोग भी आ गया, मतलब है हमारा भाई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सबको भाई क्योंकि भाई व्यूज चाहिए, सब लोग को भाई यहाँ पे फायदा लेना है, तो इसलिए गाइस उन सभी लोग आ रहे, क्योंकि भाई यहाँ पे भाई दो बंदा का कंट्रोवर्सी हुआ था, ये दो ही बंदा भाई अपना बात भाई यहाँ पे सलटा सकता था, पर यहाँ पे बीच में भाई बहुत यूट्यूबर लोग आके इस छोटा सा बात के इतने ज़्यादा इश्यू बना दिया। एंड भाई क्यों बनाया,
कि भाई उन सभी लोगों को जितना कंट्रोवर्सी होगा भाई कॉमेडी में जितना कंट्रोवर्सी होगा उतना ही ज़्यादा भाई व्यूज आएगा, उतना ही ज़्यादा भाई चैनल ग्रो होगा, ठीक है। तो इसलिए भाई इन लोग भाई ये बात को यहाँ पे भाई सुलझाना नहीं चाहते हैं, इन लोग भाई और आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब भाई कॉन्ट्रोवर्सी करके उन लोग का चैनल ग्रो कर दे। मेहनत कर भुसड़ी वाले, मेहनत कर, मेहनत किया तो भाई तेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, ये कॉन्ट्रोवर्सी करके कुछ नहीं होगा। बड़ा बड़े यूट्यूबर लोग का नेम यूज़ करके भाई इसने मैंने उतना स्कैम किया, वो किया, वो लोग किया, लौड़ा लहसुन भाई ऐसा मत करो भाई, मेहनत करो, मेहनत, ठीक है, मेहनत करो भाई, एक दिन भाई सक्सेस किसी सबको मिलेगा, ठीक है। गिव अप नहीं करना चाहिए भाई, मेहनत करो सक्सेस मिलेगा। किसी को सक्सेस भाई वन मंथ करने मिलता है तो भाई किसी को एक साल लगता है, किसी को पाँच साल, किसी को दस साल लगते हैं, क्योंकि भाई एक साथ किसी को भी सक्सेस नहीं मिलता है। सक्सेस भाई इतना जल्दी किसी को भी नहीं मिलता है, ठीक है। जिस जो भाई लक्की बंदा होगा जी, ठीक है, उन लोगों को भाई जल्दी मिलेगा, पर भाई सबका नसीब में ऐसा नहीं होता कि भाई सक्सेस एक साथ मिले, ठीक है। किसी को भाई 10 साल लगते हैं, किसी को भाई 20 साल लगते हैं भाई सक्सेस पाने के लिए। तुम लोग भाई ऐसा चूटियापंती करके भाई ऑडियंस लोग को भाई कन्फ्यूज मत करो, जो भाई एक लाख एक व्यूज के लिए भाई किसी को भाई गाली भी मत दो। एंड भाई बोलता है कि भाई टूबी भाई के साथ बहुत यहाँ पे प्लेयर खेलता है जो कि भाई एनएसटी क्लास ही हो गए, ठीक है। एंड भाई अपना मार्शल भाई भी हो गया, एंड भाई उन लोग भी खेलते हैं, पर उन लोगों ने क्या बोला गाइस, उन लोग भाई मतलब भाई मैं बीच में तो नहीं लेना चाहता, चलो गाइस यहाँ पे इग्नोर करेंगे, पर भी भाई जिस थाल में खाए भाई उसी थाल में मत थूको भाई, जिसका कारण से तुम लोग का चैनल ग्रो हुआ है गाइस, उसी को भाई तुम लोग गाली दे रहे हो, ऐसे ही मत करो भाई, ऐसे ही मत करो, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे ही मत करो भाई। जब तक तुम लोग का चैनल ग्रो नहीं था तब तो भाई तुम लोग ने टूबी गेमर को चाट लिया, अभी भाई चैनल ग्रो हुआ तो भाई भूल गया। तो इसी का कारण से भाई बड़ा बड़ा यूट्यूबर लोग भाई किसी भी छोटा यूट्यूबर का साथ भाई गेम प्ले करके मतलब भाई ऐसा होता है ना गाइस, किसी को भी हेल्प नहीं करते है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे भाई परसों वाले भुसड़ी वाले होते हैं, ये बोलते हैं ना, परसों वाले यहाँ पे भाई भुसड़ी वाले बन जाते हैं ना। तो इसी के कारण से भाई हर कोई बड़ा यूट्यूबर भाई छोटे यूट्यूबर लोगों के साथ भाई कभी भी गेम प्ले नहीं खेलते, यहाँ पे किसी को सपोर्ट यहाँ पे हेल्प नहीं करते, क्योंकि भाई सभी बंदे ऐसा होता है ठीक है, अपना चैनल ग्रो होने के बाद भाई भूल जाते हैं, यानी क्या होता है कि गाली साली देके उसी बंदे के साथ कंट्रोवर्सी करते हैं। जिस बंदे के कारण से चैनल ग्रो हुआ लास्ट में जाके वही बंदे को भाई बुरा सुरा बोल के भाई कंट्रोवर्सी करके ठीक है ऐसा करता है। तो इसलिए भाई कोई भी बंदा हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो आज के लिए इतने वीडियो भाई, वीडियो आप सब लोग अच्छा लगा तो भाई लाइक करना, अच्छा नहीं लगा तो भाई डिसलाइक भी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आप सभी लोग के लिए खुला है, तो आप सभी भाई मुझे गाली भी दे सकते हो, पर एक भाई पर भी भाई हर सभी लोग का एक पॉइंट होता है, ठीक है। एंड मेरा भी दो तीन पॉइंट था, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया, एंड क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई जिस थाल में खाया उसी थाल में मत थूको, क्योंकि भाई होता है ना, जब तक चैनल ग्रो नहीं था भाई तब तक भाई टूबी भाई को चाट लिया, एंड अभी चैनल ग्रो होने के बाद भाई टूबी भाई को पूरा पूरा यहाँ पे गाली दे रहे, कंट्रोवर्सी कर रहा है। तो इसलिए भाई मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते मेरा वीडियो में, लव यू गाइस, बाय बाय। कमेंट बॉक्स खुला है आप सभी लोगों का, मुझे मालूम है भाई इस वीडियो में बहुत गाली मिलने वाला है, पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। एंड आप सभी लोग भाई समझदार ऑडियंस है, तो भाई आप सभी भी समझ सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे जो भी बंदा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं गाइस टूबी गेमर के नेम से लेके वीडियो बना रहे हैं ना, उन सभी लोग का व्यूज चाहिए भाई अपना चैनल ग्रो करना है। एंड भाई इस कंट्रोवर्सी में सो बहुत बंदा लोग भाई यहाँ पे भाई बहुत फायदा हुआ, ठीक है। मतलब भाई बहुत बंदे लोग का यहाँ पे भाई व्यूज आ गए, चैनल में बहुत व्यूज भी आ गया, उन लोग का चैनल भी ग्रो हो गया, ठीक है। एंड करो कोई भी बात नहीं, ठीक है, करो कंट्रोवर्सी करो, पर बीच में आके ये सब मत बोलो कि भाई कोई को गाली भी मत हो, ठीक है। कंट्रोवर्सी करो तुम लोग भाई, ठीक है, आराम से करो, पर भाई बीच दोनों का कंट्रोवर्सी बीच में आ रहे, पर इस कंट्रोवर्सी में भाई जो भी भाई बीच में यूट्यूबर आ गए ना, उन सभी लोग का भी बहुत फायदा हुआ। एंड भाई सबसे ज़्यादा फायदा था यहाँ पे भाई कार्की का हुआ, क्योंकि भाई आप सब देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतने, तो मिलते मेरा अगला वीडियो में, बाय बाय गाइस, लव यू गाइस। यदि आप सब भाई समझदार ऑडियंस है तो भाई मुझे मालूम है कि भाई आप लोग भाई गाली नहीं दोगे, एंड भाई यदि भाई 9 साल का ऑडियंस है तो भाई आप लोग भाई जरूर भाई कमेंट में गाली दोगे, पर भी कोई बात नहीं, आप सब लोग के लिए भाई कमेंट बॉक्स में ऑन किया हो तो भाई प्लीज यार आप लोग का भाई पॉइंट क्या है भाई, ठीक है, वो बताना। तो मिलते मेरा अगला वीडियो में, बाय बाय गाइस।